सो आज से हम माय करियर मोड शुरू करने वाले हैं और इंटरेस्टिंगली एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? रोहित शर्मा के तौर पर हम माय करियर मोड शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, तो रोहित शर्मा इस्टेब्लिश्ड क्रिकेट के जो द कैप्टन ऑफ द टीम है, और जाते ही जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। बॉस, इंडिया हैव मेड यू एन ऑफर टू बी एन कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया टेस्ट सीरीज। ऑफ कोर्स, ओके, ज़रूर, क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि कैप्टेंसी जो है हमें सीधा मिल रही है, तो बिल्कुल वेलकम किया जाएगा कैप्टेंसी का। और एज रोहित शर्मा माय करियर मोड। इसके अलावा जो है, अगर यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, इंग्लैंड का कोई जो है यहाँ पर T20 स्लैम है, इसे मैं कर रहा हूँ रिजेक्ट। तो पहला जो है T20, वो यहाँ पर भी IPL, पहला T20 जो है मुंबई इंडियंस वर्सेस SRH होने वाला है। और चलो लेट्स प्ले प्ले करते हैं, जहाँ खेलना तो पड़ेगा। और ये गेम वाले शैतान हैं, इन्हें पता है कि कैप्टन असली में कौन है। तो हार्दिक जो है कैप्टन है, हम एज रोहित शर्मा जो है मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह जो है बात बनेगी। और हमारा रोल क्या होने वाला है? हमारा रोल सिर्फ जो है बैट्समैन के तौर पर होने वाला है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। इंडियन T20 लीग जो है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद, पहला मैच रोहित शर्मा के तौर पर करियर मोड। उम्मीद है ये आइडिया पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो भाई, वो इट्स टॉस टाइम। टॉस पर कौन जीत रहा है? सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है टेल्स जो है वो मांगी है। वो मुंबई इंडियंस टॉस जीत गया है, और मुंबई इंडियंस क्या करने वाला है? मुंबई इंडियंस, हार्दिक पांड्या हैव डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। ओके, तो हमें चेस करना पड़ेगा, तो लेट्स बिगिन। अभी जो है बैटिंग वो आ गई है ऑपोजिशन की। सो ऑपोजिशन करने जा रहा है बैट, वो रोहित शर्मा वहाँ पर खड़ा है, तालियां मार रहा है, मतलब बेसिकली हम वहाँ पर खड़े हैं एंड ऑल दैट। जसप्रीत बुमराह इज ऑल सेट ऑलरेडी। मुंबई इंडियंस की आ गई है फील्डिंग। बाय द वे, फील्डिंग भी हम कर सकते हैं अगर हमें जो है करने का मौका मिले। लुक एट दैट, हम स्लिप पर खड़े हैं, तो स्किप किया जा सकता है, बट फिलहाल के तौर पर मेरा कोई इरादा है नहीं है स्किप करने का। सो लेट अस सी, लेट अस सी। पहली बॉल जसप्रीत बुमराह की, स्लिप्स पर हम वेट। ओए जाओ जाओ, अच्छा नहीं नहीं पकड़नी, नहीं पकड़नी। इस तरह जो है इसमें हम फन एलिमेंट जो है ऐड ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज थिंग्स आर इन आवर हैंड। टेविस हेड, ओए टेविस हेड खड़ा, बुमराह बॉल डाल रहा है। एक दो बॉल जो कर कर देखते हैं, हु नोस, स्लिप पर जो है सीधा कैच हमारे पास आ ही जाए। सो लेट अस सी कि क्या बनता है। स्लिप्स में हम वेट कर रहे हैं, रोहित इन स्लिप। वो बॉल जो है वो जाना नहीं, नहीं पकड़ ही नहीं पाएंगे, बहुत दूर है, तो मुझे जो है विकेटों के पास ही खड़े रहना जो है वो ज़्यादा ठीक रहेगा। एनीवेज, एक डिलीवरी और, एक डिलीवरी और जो है वो खड़ कर देखते हैं, हु नोस कैच आ जाए, नहीं तो उसके बाद स्किप करूँगा। और आई एम श्योर अगर मैंने एक बार स्किप कर दिया तो सीधा हमारी जो है बैटिंग में ही जो है बात बनेगी, सीधा बैटिंग में ही जो है आ जाएगा। शॉर्ट पिच, वो जाओ जाओ, वो पकड़ पकड़ पकड़, भाग 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 भाग। अरे जसप्रीत बुमराह ने जाकर जो है पहले ही पकड़ लिया। ओ शॉर्ट पिच डिलीवरी, वार्निंग। तो चलो एक बार और, एक बार और, एक बॉल और। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मेरे पास स्लिप में जो है कैच आ सकता है, और उस कैच को पकड़ने के लिए, लपकने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार खड़ा हूँ। आ जा भाई, अगेन, ओए बैक फुट पर चल, ओए ओए, अच्छा वहाँ बॉल फेंगी। चलो चलो यार, स्किप करो, अब इसे मैं स्किप कर देता हूँ। सो सनराइजर्स हैदराबाद ने क्या बनाया, कितना है? बाय द वे, ओपनिंग पार्टनरशिप, आए रोहित शर्मा, यानी कि हम जो है आ गए हैं। टारगेट 166। तो हमारी जॉब क्या होने वाली है? हमारी जॉब सिंपल होने वाली है, अग्रेसिव जो है स्टार्ट देने की, हवा में बॉल, और ये वो फील्डर ने वहाँ पर रोक लिया। भाग 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 भाग, पहुँच गया, डाइव मारनी पड़ी। और भाई हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी में यहाँ पर खेलना पड़ रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, असली में भी तो जो है रोहित इस तरह खेल ही रहा है, तो हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी में खेलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाय द वे, पहली बॉल पर दो रन लेकर जो है नॉन स्ट्राइकर एंड पर हमारे साथ ईशान किशन हैं, और हम स्ट्राइक पर हैं। वाओ नाइस टाइमिंग, वो भाई मैं इस तरह जो है शॉट बिल्कुल मारने के उसमें नहीं था मूड में, मैंने सिर्फ ऐसा ऐसा फ्लिक सा मारा था, और दैट्स अ गुड बाउंड्री, दैट्स अ गुड बाउंड्री। ओए रोहित शर्मा,
इंटरेस्टिंग। बाय द वे एक आधी चीज़ इसमें और भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है दिखाता हूँ। अभी ईशान किशन की स्ट्राइक आएगी ना तो वहाँ पर जो है इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बाय द वे ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, दो बॉलों में 6 रन। फिर से वही एंगल जो है लेता हूँ, आए फिर से वही पर नटराजन, नटराजन के नट खोल दो भाई। नटराजन जो है बार बार वही गलती कर रहा है, और वाई नॉट टू एक्सप्लॉइट द गलती जो ये बार बार वहाँ पर कर रहा है। मीनवाइल आई होप आपको जो है चीज़ ये पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बॉस। और ये इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे क्योंकि हम हर रोज़ सुबह IPL मैचेस वगैरह खेल रहे थे, तो वो भी आई डोंट थिंक जो है इतना मज़ा आ रहा था डेली। आए गुड शॉट, ओए ओ भाई हवा में, ये तो विकेट गिर गई, ओ ये तो विकेट गिर गई भाई साहब, हार्दिक को फंसवा दिया। बट ऐसा करने का इंटेंशन नहीं था यार, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ चला गया था, मार में दूसरी तरफ रहा था, फील्डर के सीधा गोदी में जाकर जो है बॉल गिर गई। तो रोहित शर्मा हमारा जो है कैरेक्टर जो हम ऐसा करियर मोड खेल रहे हैं आउट, आए हार्दिक आए, उसके बाद स्किप करने का ऑप्शन है। वैसे एक आधी जो है बॉल देख कर जाता हूँ, लेट मी सी हार्दिक जो है एक आधी बॉल में क्या करता है क्या नहीं, नहीं तो उसके बाद आए हार्दिक ने जो है उसी एंगल पर जहाँ हम कैच देकर आए हैं वहाँ पर जो है सिंगल ले लिया है। हालांकि यहाँ पर जो है क्या कह रहा था मैं, हाँ चलो एनीवेज, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, बस मैं थोड़ी बहुत ये ओवर देखूंगा, इसके बाद जो है नेक्स्ट ओवर एक आधी बॉल देखेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है आई डोंट थिंक ये अगर मैं एक बार स्किप कर दूंगा ना तो सारा निकल जाएगा। आए बैक फुट पर शॉट, तो हार्दिक जो है रोहित के गिरने के बाद हार्दिक खुद आया है टारगेट को चेज करने के लिए, 166 का जो है टारगेट वो चेज करने के लिए ही हैव काम। ओके लेट अस सी, अभी मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। भुवनेश्वर कुमार, मुझे बस एक जो है ईशान किशन के बाद जो है हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक पर देखते हैं क्या क्या मारता है, उसके बाद छोड़ देंगे। आए स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड, वो फील्डर के पार, फील्डर से दूर, आए रोक लिया भाई फील्डर ने, रोक लिया, फील्डिंग अच्छी हो रही है यहाँ पे मुंबई इंडियंस। स्ट्राइक पर कौन है, आए हमारा हार्दू, हमारा हार्दिक पांड्या जो है वो स्ट्राइक पर है, बस ये एक दो बॉलें इसकी हार्दिक की देकर चलते हैं। भुवनेश्वर कुमार शॉर्ट पिच, वो नाइस, एक बॉल और, एक बॉल और, एक बॉल और, लेट अस सी भाई। रोहित ने जो है जल्दी आउट होकर ये बात है मैच तो जो है खोल दिया है पहले ही विकेट निकलवाने के बाद, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वन फील्डर के पास, फील्डर के पास, या तो ये ऑफ स्ट्राइक हो या पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है विकेट गिर सकती है एक और यहाँ पर, बस वो ही देखने के लिए बैठा हूँ मैं बेसिकली। 1.3, 13 रन, एक हार्दिक ऑन स्ट्राइक, शॉर्ट पिच, ओ फील्डर के पास, सिंगल ले लिया भाई, सिंगल ले लिया। चलो अब मैं देखता हूँ जो है, स्किप कर देते हैं अब तो, अब लेट अस सी जो है क्या जो है इनका बनता है। वो हार्दिक 10 पर आउट, ईशान किशन 73, मोहम्मद नबी 72, ओए मैच जीत गए भाई, पहला मैच जीत गए हैं, और ये हमारा IPL भी इस हिसाब से यहाँ पर चल सकता है। एक मैच और खेल सकते हैं वैसे हम, अगर आप कहो तो, नहीं बट आई थिंक एक मैच और नहीं खेल रहे हैं, तो 8 विकेटों से जो है मुंबई इंडियंस जीत गई है ये मैच। इसमें हम जो है कुछ भी नहीं कर पाए बेसिकली, बॉलिंग हम करते नहीं हैं, और बैटिंग में 10 रन जो है बनाकर, और बाय द वे हार्दिक के भी 10 रन मैंने 4 बॉलों पे मारे हैं, तो हार्दिक वर्सेस रोहित शर्मा में जो है रोहित जीतता भाई इसमें। चलो भाई चलो, नेक्स्ट मैच देखते हैं क्या कहाँ का है, किसके साथ है, ये जो है इट विल बी इंटरेस्टिंग कि आप इसे जो है किस तरह रिसीव करते हो, आपको ये आइडिया कॉन्सेप्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, आप देखने आओगे या नहीं। तो नेक्स्ट मैच होने वाला है RR वर्सेस MI यानी कि राजस्थान रॉयल्स के साथ जो है अगला मैच होने वाला है, ट्रैवलिंग टू जयपुर। तो ये मैच जो है एक बार सोना जाकर ले लेते हैं, ये मैच जो है हम नेक्स्ट एपिसोड में खेलेंगे, तो आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू कि आपको ये चीज़ जो है पसंद आएगी या नहीं आएगी एंड ऑल दैट। तो नेक्स्ट गेम प्ले में मिलते हैं, और माय करियर मोड एज रोहित शर्मा हम खेल रहे हैं, सो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसके अलावा वीडियो किस वक्त जो है
हम रिलीज़ करें, डेली अगर करें तो किस वक्त जो है रिलीज़ करें एंड ऑल दैट, ये अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि इंटरेस्टिंग था तो ज़रूर बताना। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि भाई तूने विराट कोहली के साथ क्यों नहीं किया, वो बाद में कभी कर लेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस जो है ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, मतलब क्रिकेट वालों के साथ, तो ज़्यादा बेटर है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नेक्स्ट गेम प्ले में मिलते हैं।